वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्मण मीटर वाले चैनल। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी मतदाता बहने कितनी सुरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में मुस्लिम लड़की को दो दुष्कर्मियों ने केरोसिन ऑयल से जिंदा जलाकर उस महिला को कुएं में फेंक दिया। और पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान इस पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया। और अभी तक इस घटना में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि एफआईआर करे हुए 18 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि पीड़िता की मां का क्या बयान है। एक घटना हुआ था वैशाली जिला में, गुलनाज नाम के लड़की का इनके ऊपर किरासन तेल से छिड़क करके इनको आग लगा करके मार दिया गया है। बात करेंगे हम इनसे। क्या कुछ कहना है आपका? ये हमारी लड़की को छेड़खानी किया, हमारी लड़की इनकार कर गई, इसी वजह से मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगाया रोड पर। लड़का का नाम सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय, एक लड़का और चंदन कुमार राय, उसके पिताजी का नाम विजय राय। अभी हमको इंसाफ चाहिए, 17 दिन हो चुका, कोई इंसाफ नहीं। एफ आई आर किए वो सब चल गया, कोई सुनवाई नहीं। हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ हम सिलाई खा कर कर बाल बच्चे को पाल रहे हैं। बच्चे मेरे घर में सिलाई करते थे। नया रोड ढलाई हुआ था, वहाँ पर अड्डेबाजी मार रहा था। मेरी लड़की बोली कि यहाँ पर तुम लोग हम लोग को कुछ बोलो नहीं। वह बोला कि यहाँ पर रोड खरीदे, यहाँ पर होगा, बोलेगी तो मर्डर होगा। इसी पर वो लड़की को आग लगाया गया। 4 महीना शादी को बचा था मेरे बच्चे का। साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। साथियों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 15 साल की दलित बहुजन समाज की नाबालिग लड़की के साथ पहले हैवानियत की गई और पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। यह घटना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद की है और 15 अगस्त को घटी है। 17 नवंबर को इस पीड़िता को अस्पताल ले जाते समय पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें कि पीड़िता पुलिस से पानी मांग रही है, परंतु पुलिस ने पानी ना देकर बयान देना ज्यादा जरूरी समझा। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी के परिवार वालों ने ही उनकी बेटी उनकी बच्ची को जलाया है। आइए बच्ची का बयान जानते हैं। नहीं, अभी पिला गया, बता रहे कि गिलास में एक बोतल पिला देंगे। संजय कौन बिरादरी का था? वो वहाँ के धामनी के। तुम्हारे गांव का नहीं था? अच्छा, तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? क्या गाय का? छेड़छाड़ था, पुराना केस चल रहा था, उन्हीं से चल रहा था, संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? कौन बिरादरी के? वो अहेलिया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा हो तुम? वो अहेलिया है, उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था। संजय अहेलिया ने आग लगाई, उसकी बीवी साथ में थी। तुम अपने घर पहुंची थी, तुम्हारे घर कौन था? अभी पानी पिला देंगे, पानी पिला देंगे। आग लगा दी, मैं पेट में दर्द मारा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी पिला देंगे पानी, बता दूँ। तुम्हारी माँ घर में थी? बता दूँ, घर में थे? कोई घर में नहीं था? तुम्हारे घर से पेटोला की
नहीं, घर में भी है। घटना तुम्हारे घर में ही हुई थी या घर के बाहर? घर के बाहर। मगर पुलिस का कहना है कि बच्चे ने खुद ही आग लगाई। आइए पुलिस वालों का भी वीडियो देखें। देखिए 15/8/20 को रेप की घटना हुई थी थाना जहां जहांगीराबाद के सिद्ध नगला गांव में, जहां अभियुक्त को तत्समय ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और वो अभियुक्त आज की तारीख में भी जेल है। आज जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ये वो लड़की जो पीड़िता थी वो सुबह 8 बजे के आसपास जलने से हॉस्पिटल में आई, बाद में इलाज के लिए दिल्ली भेजी गई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर दी गई, उसके आधार पर अभियोग थाना जहांगीराबाद में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में जो पुलिस की शिथिलता थी, जो आरोप थे उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए हल्के के उप निरीक्षक और हल्के के सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी लाइन से संबद्ध कर दिए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है उस तहरीर में नामित अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। सर वीडियो वायरल हो रहा है सर, उसमें वीडियो में युवती बता रही है खुद उसने आरोप लगाई थी, क्या पूरा? फिलहाल देखिए शुरुआती दौर में सुबह करीब 11 बजे तक यही बात थी कि पीड़िता के द्वारा स्वयं जो है आग लगाई गई है, लेकिन परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जलाए जाने की बात कही गई है। हम सारे तथ्यों की गहनता और निष्पक्षता से जांच करेंगे। फिलहाल जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी 3 की हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी। साथियों ऐसा लगता है कि अब दलित मुस्लिम या बेटी होना गुनाह है। ना केंद्र तथा राज्य सरकारों से यह सवाल है कि कहां गए आपकी बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या आप इसे लागू कर पा रहे हैं या सिर्फ नाराजगी है? एक और सवाल कि क्या ये नारा है या बेटियों को या बेटी बचाने का इशारा है? साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम का नहीं। साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, भवतु सफलम।